अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फिर मैं कुछ दिन पहले ना इंटरनेट सोशल मीडिया पे ऐसी रील्स वगैरह देख रहा था, और भी चीज़ें देख रहा था, तो मेरे पास एकदम से एक वीडियो आई। जो मैंने जब उसको देखी तो मैं तो दंग रह गया कि भाई ये क्या है, ये भी हो सकता है। तो यार मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को एक जर्नी के बारे में, जो मेरे लिए एक चैलेंजिंग और एक अनमोल एक्सपीरियंस होने वाली है। तो यार ये बेसिकली ये है क्या चीज़, तो मैं अब आपको बताता हूँ। तो ये एक 75 डेज हार्ड चैलेंज है, जो बहुत ही कम लोग इसको कर पाते हैं। 100 में से 99% लोग फेल होते हैं। ये मैंने खुद देखा है, मैंने इसकी फुल कहते हैं ना एक्सप्लोर करा है इसको, पूरा इंटरनेट हर सोशल मीडिया पे देखा, तो उसमें सब जगह यही बताया कि इसमें 99% जो लोग हैं वो फेल होते हैं, और सिर्फ 1% लोग इसमें सक्सेस होते हैं। तो क्या मैं उन 1% में होऊंगा? तो यार मैंने यही फैसला करा है कि मे बी ये 75 डेज हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करूँ और इसको करूँ। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूँ 75 डेज हार्ड चैलेंज होता क्या है। तो यार ये एक 75 डेज का आपका एक चैलेंज होता है, जिसमें आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मीन्स के जो आप पहले हैं या अभी हैं प्रेजेंट में, तो आगे जाके 75 डेज के बाद आप वो नहीं रहोगे जो अभी हो। तो वो मैं बताता हूँ, उसमें सिर्फ आपको 5 रूल्स फॉलो करने हैं, और वो 5 रूल्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो 5 रूल्स ये है कि नंबर 1, तो सबसे पहले आपको अपनी एक प्रोग्रेस सेल्फी लेनी है, जो आप अपने आप को देख सकें कि आप फर्स्ट डे कैसे हैं। क्योंकि अगर वही पिक्चर आप 75 डेज के बाद देखेंगे तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे कि आप वही हैं। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल। तो सेकंड रूल इसमें ये है, आपको दिन में 4 लीटर पानी पीना है। नॉर्मली तो लोग पी ले तो होंगे 4-5 लीटर, लेकिन आपको पीना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं पीते, बहुत कम पानी पीते हैं, जैसे कि मैं नहीं पीता भाई। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है, बहुत कम पीता हूं। तो दिन में 4 लीटर पानी पीना लाजमी है। तीसरा जो है हमारा है कि उसमें रोजाना 10 पेजेस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पढ़ने हैं। उसमें आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको अच्छी लग सकती है, आप कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं। ओनली 10 पेजेस पढ़ेंगे रोजाना। और नंबर 4 पर हमारा आ जाता है कि हमारे को डाइट फॉलो करनी है, जिसमें हमारा नो अल्कोहल होगा और नो फास्ट फूड होगा। ओनली जो घर में बना होगा वही खाएंगे, डाइट फुल डाइट फॉलो करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। और नंबर 5 पर जो हमारा आता है वो आता है वर्कआउट। 45 मिनट्स की 2 टाइम वर्कआउट करनी है। अब आप एक सुबह कर लो, एक शाम कर लो, या दोनों रात में ही कर लो, जिसमें से एक वर्कआउट जो है वो आपकी आउटडोर होना लाजमी है। आप उसमें आप जॉगिंग करें या कुछ भी करें, और 45 मिनट्स की आपको होम में अपनी एक्सरसाइज करनी होगी। तो ये 5 रूल्स है जिससे आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन जिसने इन 75 डेज के अंदर, मीन्स अगर कोई ये रूल्स फॉलो करते करते उसको 50 डेज हो गए, और उसने 51 डे जो होगा उसका, उसने वो कोई एक चीज़ मिस हो गई उससे, तो इसका मतलब ये है कि उसको दोबारा से अगेन फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यार मेरे भाई, मैं तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके और इसको स्टार्ट करने के लिए इतना एक्साइटमेंट में हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि लाइफ जो है हमारी ट्रांसफॉर्म होती है, यह सब कहने की बातें हैं। और मेरे साथ जो जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है और मुझसे खास तौर ये चैलेंज करना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यार कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, फजूल कर रहा है ये वो, तो ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट जो मैंने करा है, वो मैंने इस वजह से करा है क्योंकि ये एक चैलेंज ही नहीं, ये एक मौका है मेरे लिए अपनी लिमिट्स को जानने का, अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को स्टैंड करने का, और एक बेहतर इंसान बनने का। और यार इसके जो फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट करेगा। आप अपनी विल पावर को टेस्ट करोगे, और खुद से मिलने वाले अचीवमेंट से आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, और हाँ इससे आपकी मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। तो यार अगर आप लोग भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।
आप भी इस चैलेंज को और इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि ये एक मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। तो फिर क्या आप रेडी हैं इस चैलेंज को मेरे साथ मिलकर एक्सेप्ट करने का और इसको आगे बढ़ाने का? तो जो जो इंटरेस्टेड है तो आई होप आप कमेंट में बताओगे ज़रूर। तो फिर यार आपका भाई जो है कल से ये चैलेंज जो है स्टार्ट करने जा रहा है और पूरे पूरे 75 डेज तक, बस दुआ चाहिए आप लोगों की यार कि मैं ये 75 डेज हार्ड चैलेंज कर सकूं। और अगर कर लिया तो फिर आप लोग खुद ही देख लेंगे कि कैसा था और कैसा हो गया मैं। इसमें खर्चा इतना है ना कि उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये चैलेंज आप लोग करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कंपटीशन लड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।